So shall we start? so yesterday we have seen about mendelian disorders mendelian disorder means gene disorders mendelian disorder color blindness hemophilia thalassemia sickle cell anemia which are caused due to gene defect they are called mendelian disorders and other than mendelian disorder इन जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप वी आर हैविंग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर आर नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है राइट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू आधर इनक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर और डिक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर दोनों से हो सकता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोजोम नंबर सो ह्यूमन आर हैविंग फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम इफ एनी चेंज आकर एनी एक्सट्रा क्रोमोजोम और लॉस ऑफ क्रोमोजोम दैट लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड Chromosomal disorders. So we get here a term aneuploidy. What is mean by aneuploidy? Aneuploidy means 2n plus or minus two. That means in diploid chromosome number, that is 2n. Diploid chromosome number that is 2n plus or minus two. Either extra chromosome or less chromosome. Either extra क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकता है और टू क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकता है या वन क्रोमोसोम लेस भी हो सकता है या टू क्रोमोसोम लेस भी हो सकता है टू एन प्लस माइनस वन आर टू इज कॉल्ड एन्यूप्लाइडी तो व्हाट इज एन्यूप्लाइडी डेफिनेशन आइदर एडिशन और डिलीशन आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम्स वन और मोर क्रोमोजोम्स फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेल फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉयडी कितने टाइप की एन्यूप्लॉयडी होगी तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप है मोनोजोमी बोलेंगे उसको मोनोजोमी का मतलब होगा टू एन माइनस वन मतलब एक क्रोमोजोम माइनस हो जाए टू एन माइनस वन समझते हैं माइनस वन डिप्लॉयड नंबर में से एक क्रोमोजोम कम हो गया सपोज इंस्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम ह्यूम तब मोनोजोमी बोलेंगे ट्राइजोमी ट्राइजोमी क्या होगा टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन नल्लीजोमी टू एन माइनस टू होगा और टेट्राजोमी में क्या होगा टू एन प्लस टू आउट ऑफ दीज फोर केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयडी वॉट इज सीन इन ह्यूम वॉट इज सीन इन ह्यूमस मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी केसेस आर नोटिसड इन ह्यूमन ठीक है ह्यूमन में मोनोजोमी और ट्राइजोमी के केसेस मिल चुके हैं इन ह्यूमन मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी केसेस आर सीन सो रिमेनिंग नल्लीजोमी टेट्राजोमी वगैरह देख सकते हैं प्लांट्स में वगैरह देख सकते हैं

और एक वर्ड आता है यहां पे पॉलीप्लॉयडी बोल के वट इज मीन बाई पॉलीप्लॉयडी चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम नंबर चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम नंबर अगर पूरे के पूरे क्रोमोजोम सेट में अगर चेंज हो रहा है क्रोमोजोम नंबर देन वी कॉल दैट कंडीशन एज पॉलीप्लॉयडी चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजम ओके चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोज नंबर इज कॉल्ड पॉलिप्लोइडी ह्यूम में नहीं रहेगा ये पॉलिप्लॉयडी सीन इन प्लांट्स सीन इन प्लांट्स प्लांट्स में देखा जा सकता है ये पॉलिप्लॉयडी वेन पॉलिप्लॉडी ऑकर इफ

देर आर टू न्यूक्लियस कैन बी सीन इन वन सेल एज पर रूल टीलाफेस के बाद क्या होना चाहिए ये सेल डिवाइड हो जाना चाहिए अब क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं तो इट शुड डिवाइड तो यहां पर लिखना चाहिए इफ टेज स्टेज इज नॉट फॉलोड बाई अगर टीलाफेज के बाद साइटोकैनासिस नहीं हुआ समझो Not followed by cytokinesis. It leads to polyploidy. क्योंकि अब जो क्रोमोजोम नंबर एक न्यूक्लियस में पहले थे मान लीजिए यहां पर 46 सिक्स क्रोमोजोम थे तो ये न्यूक्लियस में भी अब 46 सिक्स है ये न्यूक्लियस में भी 46 सिक्स है मतलब क्रोमोजोम नंबर डबल हो गया तो हम ये कंडीशन को क्या बोलते हैं पॉली प्लॉइडी होल सेट में चेंज हो गया ये Anuploidy में क्या हो रहा था वन आर टू क्रोमोजम चेंज हो रहे थे बट हियर पॉलिप्लॉडी चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोज नंबर एंड इज द रीजन फॉर पॉलीफ्लॉडी इफ टील स्टेज इज नॉट फॉलोड बाई साइटोक इट लीड्स टू पॉलिप्लॉडी कंडीशन ओके नेक्स्ट अब हम जो है आगे बढ़ते हुए एन्यूप्लॉयडी का रीजन बताना है रीजन फॉर एनप्लॉइडी एन्यूप्लॉयडी मतलब टू एन प्लस माइनस वन और टू एक या कम हो जाए तो एनप्लॉयडी क्यों होती है उसका रीजन देना है इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन बोलना इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे ये क्या होता है नॉन डिसजंक्शन इट इज ए मियोटिक एरर एक मियोसिस में मिस्टेक हो जाता है मियोटिक एरर मींस इट इज मिस्टेक ड्यूरिंग मियोसिस सपोज देर इज अ सेल ड्यूरिंग मियोसिस सपोज हियर देर आर फोर क्रोमोसोम्स फोर क्रोमोसोम है तो मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस क्या होना चाहिए क्रोमोजोम नंबर हाफ होना चाहिए ना ड्यूरिंग मियोसिसना फेज वन में क्या होना चाहिए चार अगर क्रोमोजोम रहे तो दो ऊपर जाना चाहिए दो नीचे जाना चाहिए क्रोमोजोम दिस इज द इक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर अगर सपोज तीन क्रोमोजोम एक जगह जा रहे हैं और एक क्रोमोजोम एक जगह जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको इसी को हम नॉन डिजंक्शन बोलते हैं इसी को नॉन डिसन अनईक्वल सपरेशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर अनईक्वल सपरेशन सपोज टेन क्रोमोजोम है तो एज पर रूल फाइव फाइव क्रोमोजोम डिवाइड हो जाना चाहिए वन सेल फाइव क्रोमोजोम अदर सेल फाइव क्रोमोजोम समझ रहे हैं इक्वली सपरेट होना चाहिए अगर अन एकवल सपरेशन होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे नॉन डिसजंक्शन वर्ड यूज करने वाले हैं नॉन डिसजंक्शन के बारे में और डिटेल में ज्यादा पूछना चाहेगा एग्जामिनर सो ही कैन आज द स्टेज ड्यूरिंग विच नॉन डिजंक्शन इज ऑकरिंग एना फेज वन में हो रहा है नॉन डिजंक्शन ड्यूरिंग विच स्टेज एना फेज वन ठीक है ना यहां तक क्लियर है सबको वट इज द रीजन फॉर एन इम्प्लॉयडी ड्यू टू नॉन डिजंक्शन वट इज द रीजन फॉर पॉल इम्प्लॉयडी रीजन uh, चलिए अब हम ह्यूमन में तो पॉलीप्लॉयड ही नहीं दे सकते देर इज नो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉयड ह्यूमन ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसके क्रोमोजोम नंबर डबल हो जाएंगे नाइन्टी टू हो जाएंगे ऐसा है ऐसे कुछ ह्यूमन मिलेंगे आपको जहां पे एक या दो क्रोमोजोम में चेंज एक क्रोमोजोम में चेंज मिलेंगे आपको एक दो केसेस अब एन्यूप्लॉइडी में भी टाइप हैं फिर एन्यूप्लॉडी में भी टाइप हैं यहां पर होता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी हाइपो हाइपर सो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग हाइपो एन्यूप्लॉयडी मतलब क्रोमोजोम लेस हो जाएंगे लेस डिक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर डिक्रीज डिक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर यहां पर होगा इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर इनक्रीज हो जाएंगे यहां पर हाइपर एनिप्लॉयडी फिर हाइपो एन्यूप्लॉयडी में भी दो केस फिर आटोजोमल हाइपो एन्युप्लॉयडी अल्लोजोमल हाइपो एनिप्लॉयडी आटोजोमल हाइपो एन्युप्लॉयडी मीन्स डिक्रीज इन आटोजोम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब समझ गए हैं या तो प्लस वन माइनस वन ठीक है ना या प्लस टू माइनस टू होता है एन्यूप्लॉडी में फिर हाइपो एन्यूप्लॉडी में तो पक्का डिक्रीज ही होने वाले हैं हाइपो हाइपोमीन्स लेस अब डिक्रीज में फिर हाइपो एन्यूप्लॉडी में दो केस ऑटोसोमल हाइपो एन्यूप्लॉडी अल्लोजोमल हाइपोन्यूप्लॉडी इफ देर इज एनी चेंज इन क्रोमोजोम नंबर इन सेक्स क्रोमोजोम डिक्रीज इन सेक्स क्रोमोजोम नंबर हाइपो एन्योप्लाइडी अल्लोजोमल केस समझ गए सो वट इज द एग्जाम्पल ऑफ आटोजोमल हाइपो एन्योप्लाइडी तो यहां पर आएगा क्राइडू कैट सिंड्रोम क्राइडो कैट सिंड्रोम क्राइडू कैट सिंड्रोम बोलते हैं इसको और अल्लोजोमल हाइपो सेक्स क्रोमोजोम में कम हो जाना नंबर टर्नर सिंड्रोम आएगा यहां पर टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे एक सेक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम अल्लोजोमल हाइपो अन्योप्लॉयडी हाइपर एन्यूप्लॉयडी में फिर दो केस मिलेंगे आपको आटोजोमल हाइपर एन्यूफ्लॉइडी अल्लोजोमल हाइपर एन्यूफ्लाइडी में हाइपर में आपको एग्जाम्पल मिलने वाला है डाउन सिंड्रोम क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम ज्यादा होने वाला है और अल्लोजोमल में क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ठीक है चलो इतने याद रखेंगे लेट्स सी वन बाय वन कैरेक्टर्स ऑफ क्राइडू कैट टर्नर डाउन क्लाइन फिल्टर क्वेश्चन पॉसिबल है इधर से भी दे कैन आज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज डिस बस आपको ये याद रखना है कि आप क्राइडू कैट में क्रोमोजम कम होने वाला है टर्नर में कम होने वाला है डाउन्स में ज्यादा होने वाला है फिल्टर में ज्यादा होने वाला है ज्यादा होगा तो कहां ज्यादा होगा वेदर इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर इन इनाटोजोम और इंक्रीज इन सेक्स क्रोमोजोम नंबर वो भी देखना है चलो अब क्राइडो कैट क्राइडो कैट में क्या पढ़ेंगे? क्राइडो कैट सिंड्रोम क्राई लाइक कैट क्राई लाइक कैट सिंड्रोम दैट मीन्स वेनवर दे क्राई दे प्रोड्यूस कैट लाइक साउंड अब नॉर्मेलिटीज तो यहां पर रहेंगे अब नॉर्मेलिटीज इन लेरिंग्स अब नॉर्मेलिटीज इन लैरिंग्स लेरिंग्स में अब नॉर्मेलिटीज रहेंगे माइक्रोसिफैली रहेगी देखिए माइक्रोसिफैली मतलब स्मॉल हेड माइक्रो, स्मॉल सिफैली मतलब हेड एंड इट इज ड्यू टू पार्शियल पार्शियल मोनोजोमी मोनोजोमी मतलब माइनस वन पार्शियल मोनोजोमी मतलब इनकम्प्लीट मोनोजोमी एक हाफ क्रोमोजोम डिलीट होता पार्शियल बोलते इनकम्प्लीट पार्शियल मोनोजोमी ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम क्रोमोजोम नंबर फिफ्थ का शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है फिफ्थ क्रोमोजोम का ये फिफ्थ क्रोमोजोम का शॉर्ट आर्म शॉर्ट आर्म ये लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म को पी आर्म भी बोलेंगे लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म भी बोलेंगे तो जो भी हो क्राइडोकैट सिंड्रोम में शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाएगा शॉर्ट टर्म डिलीट हो जाएगा तो इस वजह से अब नॉर्मेलिटीज हो जाएंगे लैरिंग्स के अंदर और ये प्रोड्यूस करेंगे कैट लाइक साउंड क्रोमोजोम नंबर में चेंज हो गया आटोजोम में चेंज हुआ या सेक्स क्रोमोजोम में चेंज हुआ आटोजोम डेफिनेटली फिफ्थ क्रोमोजोम मतलब आटोजोम ही रहता वन टू फोर्टी फोर क्रोमोजोम आटोजोम लास्ट में ऐसा लिखते हैं ना हम फोर्टी फोर ए प्लस एक्स वाई फॉर मेल फोर्टी फिफ्थ एंड फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम स्टार्टिंग फोर्टी फोर तो ऑटोजोम ही है चलिए नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्राइडो कैट के बाद वॉट इज दट कंडीशन टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्या होता है टर्नर सिंड्रोम इज हैविंग कैरियोटाइप इसका कैरियोटाइप karyotype क्या होगा 44A plus What is mean by karyotype? Karyotype का मतलब क्या है क्रोमोजोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल कैरियोटाइप किसको बोलते हैं क्रोमोजोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल अगर एक फोटोग्राफ है आपके पास उसमें बता रहे हैं आप कितने क्रोमोजोम हैं काउंट कर सकते हैं हम तो उसको बोलेंगे कैरियोटाइप, क्रोमोजोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल और फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोजोम्स फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ द सेल क्रोमोजोम्स ऑफ द सेल को क्या बोलेंगे कैरियो क्या बोलेंगे कैरियो टाइप बोलेंगे या तो आप ये बताओ कि आपके सेल में कितने क्रोमोजोम हैं उसमें आटोजोम कितने हैं अल्लोजोम कितने हैं और या टू शो द फोटोग्राफ फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ यूर सेल दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप तो कैरियोटाइप का डेफिनेशन याद रखे चलो तो टर्नर सिंड्रोम को मैं क्या बोलूंगा अल्लोजोमल मोनोजोमी अल्लोजोमल मोनोजोमी बोलो ना सेक्सरोम में एक काम हो रहा है अल्लोजोमल मोनोजोमी चलो नेक्स्ट कैरेक्टर्स क्या है इनके रूडिमेंटरी ओवरीज ओवरीज आर अंडर डेवलप वेरी स्मॉलर साइज रूडिमेंटरी ओवरीज नो मेंसेस नो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे नो उनसिस ऊजेनसिस भी नहीं होगा और स्टराइल रहेंगे शॉर्ट स्टेचर रहेगा हाइट कम रहेगी ऐसे फीमेल की शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप ब्रिस्ट रहेंगे अंडर डेवलप ब्रिस्ट सो दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम दैट मींस टर्नर सिंड्रोम मतलब फिनोटाइपिकली फीमेल रहेंगे ये दिखने में फीमेल जैसे रहेंगे लेकिन उनके पास फेमिनाइन कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे फीमेल के कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल नहीं रहेंगे ब्रिश नहीं रहेगा और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेंगे ठीक है उजेनसिस भी नहीं है स्टराइल हैं ये तो दिस इज व्हाट टर्नर सिंड्रोम अब आप बोले क्यों हुआ टर्नर सिंड्रोम यू मे आज क्वेश्चन हाउ टर्नर सिंड्रोम आकर टर्नर सिंड्रोम आकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन and that non disjunction may occur during sperm formation or ovum formation matlab jo turner syndrome female hai lady hai uske jo father hain aur uske jo mother hain turner ke Turner के जो father mother हैं उनके sperm ovum में गड़बड़ हुई थी जैसे father के पास क्या रहना चाहिए sperm में 22 टू ए प्लस एक्स रहना चाहिए नहीं आया समझो जीरो आया और मदर के पास से ट्वेंटी टू ए प्लस एक्स आ गया दोनों फ्यूज हो गए क्या बना फोर्टी फोर ए प्लस एक्स जीरो या तो टर्नर सिंड्रोम उनके फादर की वजह से हुआ या तो मदर की वजह से हुआ फादर सपोज इस बार जो है फादर नॉर्मल है ट्वेंटी टू ए प्लस एक्स वाले स्पर्म बना रहे और मदर जो है अब नॉर्मल ओवा बना रहे हैं ट्वेंटी टू ए प्लस जीरो मिल जाएगा फोर्टी फोर ए प्लस एक्स जीरो मदर ओवा दोनों में पॉसिबिलिटी है समझ नहीं आ गया अब ऐसे अब नॉर्मल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी नॉर्मल ओवा के साथ तो टर्नर बनेगा या नहीं तो नॉर्मल स्पर्म अब नॉर्मल ओवा कौन सा भी एक अब नॉर्मल है समझो स्पर्म में नहीं तो ओवा में दैट इज द टर्नर सिंड्रोम और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही रेयर केसेस है ये इट्स नॉट सो कॉमन क्योंकि नॉर्मल स्पर्म ही रहेंगे नॉर्मल ओवा ही रहेंगे बट देर आर सम केसेस वेरी रेयर केस टर्नर के जैसे बेबी भी बॉर्न हो सकते हैं वन मोर केस हाइपर अनिप्लॉयडी में हाइपर अनिम्प्लॉयडी में इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर डाउन सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप लिखते है लिखिए बताओ फोर्टी फाइव ए प्लस एक्स वाई भी हो सकता है फोर्टी फाइव ए प्लस एक्स एक्स आप गौर करके देखिए यहां पे सेक्स क्रोमोजोम एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं टोजोम में गड़बड़ हुई है yes. में गड़बड़ हुई है इंस्टेड ऑफ फोर्टी फोर फोर्टी फाइव हो चुके हैं दैट इज कैरियो कैरियो टाइप ऑफ डाउन एंड डाउन मेल में भी हो सकता है डाउन फीमेल भी हो सकता है आप बोलेंगे सर क्राइडू कैट का क्या आता होगा कैरियो टाइप क्राइडू कैट का बोलो फोर्टी थ्री एंड हाफ 43 and half A plus XY, या मैं मैं इसलिए कैट में में मेल और कुछ भी नहीं लिखा मैं। क्यों होता और फिफ्थ क्रोमोजोम मेल में भी रहता फीमेल में भी रहता इसका मतलब कैट मेल भी हो सकता है कैट फीमेल भी टर्नर जो है फीमेल में डाउन सिंड्रोम भी जो है मेल में भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम फीमेल में भी हो सकता है इट इज द ट्राइजोमी केस ट्राइजोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ आटोजोम ट्राइजोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ आटोजोम ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट पेयर में इवन आपके एनसीआरटी में भी एक फोटो है ऑन पेज नंबर हाँ नाइन्टी टू पेज नंबर पे है किसी के पास नाइन्टी पेज पे है देखो बदल गए हैं पेजेस ओके एक बेबी है देखिए बेबी उसके साइड में एक फोटोग्राफ है एक बेबी है उसके साइड में क्रोमोजोम की फोटोग्राफ है मान लीजिए ऐसा क्रोमोजोम दिया हुआ है यहां पर क्रोमोजोम फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर फोर्थ पेयर फिफ्थ पेयर सिक्स सेवंथ एट नाइन टेन ऐसे क्रोमोजोम दिए हुए हैं ना मिल गया फोटो आपको यहां पे नीचे जाके देखिए लास्ट लाइन में ट्वेंटी फर्स्ट पेयर में तीन क्रोमोजोम बताया है कैन यू नोटिस दैट इन एवरी पेयर देर आर टू टू क्रोमोजोम बट इन लास्ट लाइन ट्वेंटी फर्स्ट पेयर में कितने क्रोमोजोम बताया है थ्री क्रोमोजोम उसको सर्कल कर दीजिए थ्री क्रोमोजोम दैट इज द डिफेक्ट दैट इज द डिफेक्ट ट्वेंटी फर्स्ट ट्राइजोमी ट मींस ट्वेंटी फर्स्ट पेर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजम हो चुका है एंड दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट टाइम नोटिस बाई लैंगडन डाउन डिस्कवर्ड बाई लैंगडन डाउन नेम ऑफ द साइंटिस्ट अब ये जो लोग रहते हैं डाउन वाले लोग वो कैसे रहते हैं बिल्कुल मेंटली रिटार रहेंगे मेंटली रिटार्डेड ओपन माउथ रहेगा इनका ऑलवेज ओपन माउथ सलाइवेटिंग माउथ माउथ से सलाइवा गिरते रहेगा लार्ज टंग टंग जो है बाहर रहेगी माउथ के लार्ज टंग रहेगी और हेड दिखने में स्मॉल रहेगा स्मॉल राउंड हेड स्मॉल राउंड हेड तो एकदम जो है देखते ही पहचाने जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले लोग क्योंकि इनका जो है ना हेड छोटा होता है दिखते ही मालूम हो जाता है और ओपन माँग, माँग, और मेंटली रिटार्डेड। तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इनके जो और दूसरे कैरेक्टर क्या हैं दूसरे कैरेक्टर क्या हैं इनका जो पाम है पाम इज ब्रॉड विथ ट्रांसफर्स क्रीस ट्रांसवर्स क्रीस मतलब इनका जो हाथ है इनका जो हाथ है यहां पर ये यह जो पाम एरिया है इसमें एक लाइन आती है ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर्व रहती है मोस्ट ऑफ द लोगों में लेकिन इन लोगों में जो है डाउन सिंड्रोम में ट्रांसफर्स लाइन होती है पूरी ऐसे ट्रांसफर्स लाइन जाती है ऐसे ट्रांसफर्स क्रीस ऑन पाम चेक कर लीजिए और इनका जो है ना फिजिकल साइकोमोटर फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड रिटार्डेड मतलब इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है जैसे हाइट बढ़ना है मसल्स स्ट्रांग होना है ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा साइको साइकोमोटार मोटार मतलब मसल्स मसल डेवलपमेंट मसल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट पूरा स्लो हो जाता है साइकोमोटर बोले तो क्या मसल डेवलपमेंट एंड देर हैंड्स एंड देर लेग्स मे में नॉट बी अंडर देयर कंट्रोल हो सकता है उनके हाथ और पैर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके साइकोमोटर फंक्शन भी अफेक्ट हो गए हो सकता है वो किसी को मार भी सकते हैं साइको मोटार मतलब उनके मसल्स जो है उनके प्रॉपरली ग्रो नहीं हुए हैंड मसल्स ठीक है मोटार मतलब मसल्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं तो यूजुअली जो डाउन्स वाले लोग रहते हैं डाउन्स क्या है ना ब्रेन बहुत स्लो डेवलप होता है दे मे हाउ एज थर्टी हो सकता है उनकी एज थर्टी हो लेकिन उनका ब्रेन जो है टेन ईयर या एट ईयर बॉय के उतना हो सकता है मतलब ब्रेन डेवलप हो रहा लेकिन बहुत ही स्लो डेवलप हो रहा है सो ये डाउन्स है और क्या सिम्टम है देखिए डाउन्स के डाउन्स के और सिम्टम है डाउन के बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं लिखना और कंजिनेटल हार्ट डिफेक्ट्स भी रहते हैं उनको कंजिनेटल हार्ट डिफेक्ट्स मतलब उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है बाई बर्थ होल वगैरह फ्लैट बैक हेड इनका जो हेड है फ्लैट होता है many loops many loops on finger many loops on finger अब जैसे आपकी finger है उस finger पे 1 2 3 loops हैं है ना 1 2 3 loops हैं तो इनके पास हो सकता है 4 loops भी हो सकते हैं 5 loops भी हो सकते हैं तो ये क्या है many loops on the finger तो ये भी जो है डाउन्स डाउन के कैरेक्टर आते हैं चलिए ना वन मोर लास्ट वन मोर डिसऑर्डर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम ये क्या होता है भाई क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम कैरियो टाइप बोलिए इसका पहले फोर्टी फोर ए प्लस एक्स एक्स वाई अब ये मेल रहता है फीमेल रहता है आप बोलेंगे दो एक्स हैं तो फीमेल बन जाएगा ये ऐसा नहीं है वट एवर नंबर ऑफ एक्स एक बार वाई आ गया तो मेलिच हो जाता हो वट एवर नंबर ऑफ एक्स सिर्फ दो ही नहीं तीन चार जितने भी हो एक्स एक्स वाई दो एक्स के बाद वाई आया फिर भी ये मेल ही रहेगा फिनोटाइपिकली मेल तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों दो एक्स के बाद एक वाई आए तो भी मेल हो जा रहा है ये वाई के ऊपर एक जीन होती है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोल के टी डी एफ जीन टी डी एफ जीन बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वाई हैज टी डी एफ जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर अब ये टॉल स्टेचर के होते हैं दिखने में हाइटेड होते हैं टॉल स्टेचर ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट पूरा दिखने में एकदम मेल ही दिखते हैं मस्कुलाइन मतलब मेल जैसे दिखते हैं पूरा लेकिन प्रेजेंस ऑफ गैनेकोमेस्टिया भी रहेगा इनमें गैनेको मेस्टिया मतलब दिखने में पूरे मेल ही रहेंगे इवन फेशियल हेयर्स भी रहेंगे मेल ही दिखने देखकर कोई भी मेल ही बोलेगा लेकिन प्रेजेंस ऑफ गैनेकोमेस्टिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्रीस्ट प्रेजेंस ऑफ ब्रीस्ट इन मेल गैनको मेस्टिया होगा और क्या है देखिए इनके कैरेक्टर हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा मतलब इनके टेस्टिस स्मॉल रहेंगे हाइपोगोनाडिज्म हाइपोगोनाडिज्म बोल रहे हैं ठीक है हाइपोगोनाडिज्म है और स्टराइल रहेंगे दे आर अनेबल टू हैव हाँ देयर चिल्ड्रन स्टराइल रहेंगे तो ये थे क्लाइन फिल्टर अब बोलिए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बेबीज हाउ दे आर बोर्न मे बी डिफेक्ट फ्रॉम द स्पर्म साइड और मे बी डिफेक्ट फ्रॉम द ओवम साइड दोनों तरफ से हो सकता है क्लाइंट फिल्टर के फादर क्लाइंट फिल्टर के मदर क्लाइंट फिल्टर बेबीज हाउ दे आर बॉर्न के एग्जाम में पूछा है तो क्या लिखेंगे आप हो सकता है अब स्पर्म में हो या ओवा में हो चलिए फर्स्ट टाइम स्पर्म में अब बनाए सपोज हम ट्वेंटी ए प्लस एक्स वाई लिख दिया हमें एक्चुअली स्पर्म में या तो एक्स रहना या तो वाई रहना यहाँ पे एक्स वाई दोनों लिख दिया अब डिफेक्ट स्पर्म से ही आना बल्कि कंपलसरी नहीं है डिफेक्ट ओवा से भी आ सकता है तो इस बार डिफेक्ट मदर की तरफ देखेंगे तो इस बार स्पर्म जो है नॉर्मल बनेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये बनेगा फोर्टी फोर ए प्लस एक्स एक्स वाई मतलब यहां पर मैं जो भी लिख रहा हूं वो हो सकता है एग्जाम स्टेटमेंट हो इन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बेबीज दे आर बॉर्न ड्यू टू द डिफेक्ट आइदर फ्रॉम पैटर्नल साइड और मैटर्नल साइड दे मे हैव अबनॉर्मल स्पर्म और अबनॉर्मल ओवा कंट्रीब्यूशन इन दर फर्टिलाइजेशन इनका जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था क्लाइन फिल्टर का इधर ड्यू टू डिफेक्ट इन स्पर्म और ड्यू टू डिफेक्ट इन ओवा क्या भी हो सकता है दोनों में से एक एनी हाउ लेकिन ज्यादा चांसेस क्रोमोजोमल अपनोरमिटीज फादर की तरफ से होते हैं या मदर की तरफ से होते हैं मोर तो यहां पर हम लिखना चाहिए नोट The incidence, the chances of incidence of chromosomal abnormalities in children, chances of incidences of chromosomal abnormalities in children, in children increases, increases with increase in मैटरनल एज in जितनी मैटरनल एज बढ़ते जाएगी उतने जो है चांसेस बढ़ते जाएंगे क्रोमोजोमिटीज ए फीमेल ए वन विच इज गिविंग बर्थ एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव और एट द एज ऑफ फोर्टी एक फीमेल है उसको चिल्ड्रन हो रहे हैं फोर्टी के एज में थर्टी एट के एज में तो एक ओल्ड एज में बच्चे हो रहे हैं उसको तो वहां पर जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मियोटिक एरर मदर साइड बहुत ज्यादा है ठीक है कंपेयर टू फादर इवन मेल कैन ऑल्सो है अपनोटीज लेकिन जो है बता रहा हूं मैं कि इंसिडेंस कब ज्यादा हो जाता है ये चांसेस मैटरनल एज के साथ क्योंकि मियोसिस क्या है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है इनके ऑफ वो ऑफ फीमेल वो जो है ना डिसकंटिन्यूस प्रोसेस था थोड़ा चला फिर रुक गया फिर थोड़ा चला रुक गया है ना उजेनसिस हम पढ़े उजेनसिस में मियोटिक एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू स्पर्माटोजन ठीक है हाँ तो यहां पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अब आपको क्या करना है ये चैप्टर में परफेक्शन लाने के लिए मैं आपको वर्कआउट दे रहा हूं देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सबसे पहले मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पूरे लगा दो और उसके बाद लेवल थ्री के क्वेश्चन कर लो समझे ये तो सब एनसीईआरटी के बारिश करना है एनसीईआरटी होना पहले नोट्स होना एनसीईआरटी होना उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना उसके बाद लेवल थ्री के क्वेश्चन करो लेवल वन लेवल टू के मत करो छोड़ दो ठीक है 100% परसेंट हो जाएगा आपका क्लियर अब वो क्या है इतनी चीजें कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका ये 100% परसेंट गारंटी है ओके चलो अब यहां पे एक दो क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे बच्चों को ज्यादा डाउट आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है तो देखिए बायो में मैं आप सब लोगों के लिए बता रहा हूं बायो में जो है क्या कितना परसेंटेज देना टाइम हम पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मैं बोलूंगा बायो में सही फॉर्मूला यह है 80 परसेंट टाइम पढ़ने में लगाना चाहिए बायो में चाहे आप नोट्स पढ़ रहे होंगे या एनसीआरटी पढ़ रहे होंगे दो मटेरियल तीसरे मटेरियल का नाम नहीं बोल रहा मैं जब भी आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं बायो में या तो नोट से पढ़ेंगे या तो एनसीआर पढ़ेंगे अगर आप तीसरा कोई और मटेरियल पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा टाइम खत्म हो जाएगा उस वजह से आपकी फिजिक्स खराब होने वाली है केमिस्ट्री खराब होने वाली है क्योंकि टाइम खत्म होगा समझे हम पढ़ना तो पूरा हर चीज से आते हैं पूरी बायोलॉजी खत्म कर देंगे लेकिन क्या है टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में हम स्कोर करना है उसके आस्ते जो है बेस्ट मेथड है एनसीईआरटी रीडिंग नोट्स रीडिंग उसके बाद क्वेश्चन तो के मैक्सिमम हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे तो बायो में बहुत ज्यादा हो गया मैं बहुत ज्यादा बोल दिया बायो में उतना क्वेश्चन ज्यादा माने नहीं रखता ओके okay, हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्टाइल होता है फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए लेकिन बायो में ज्यादा पढ़ना चाहिए क्वेश्चन भी करना चाहिए टू हैव द कॉन्फिडेंस और हाउ टू पिक द करेक्ट आंसर एलिमिनेशन कैसे करना ये सब सीखने के लिए क्वेश्चन करते रहना पड़ता थोड़े थोड़े ठीक है चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूं कैसे करना है देखेंगे हम्म। पेज नंबर थर्टी फाइव पे क्वेश्चन है पेज नंबर थर्टी फाइव पे क्वेश्चन है ये कितना इजी रहता है देखो मैं एक टाइप बता रहा हूं क्वेश्चन का एक टाइप देखो टाइप क्या है लेंदी टाइप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हो सकता है लेंदी क्वेश्चन आ जाए दिखने पे चार लाइन पांच लाइन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं लेकिन ये बात तो गारंटी है जितना लेंदी उतना इजी

उन्हें क्या बोल रहा है ब्राउन को क्रॉस करेंगे सिंप्लीफाई करके लिख लेना चाह रहा आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन आए तो पढ़ के लिख लेना हम फ्रूट फ्लाइज फ्रॉम ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन विद वि तो हुआ क्या बोलते यफ वन में पूरे रेड आ गए बोल है में पूरे रेड आ गए व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वॉट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रेड इज डॉमिनेट ओवर ब्राउन खत्म देखिए लें देखिए क्या है और आंसर कैसा आया ठीक है ऐसा रहता देखिए तो मतलब सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन अच्छे से लिख लेना है गड़बड़ करे तो आंसर नहीं आता रॉन्ग हो जाता है hmm. अब फिर यही क्वेश्चन को अच्छा ये क्वेश्चन को फिर सेकेंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करके पूछ रहा है ब्राउन को रेड से क्रॉस करे तो रेड आ गए ठीक है, है अब आगे फिर क्वेश्चन नंबर टू है दफ वन फ्लाइज डिस्क्राइब इन अबाउ क्वेश्चन मेटेड विथ ब्राउन आई अब ये ये को क्या करेंगे ब्राउन के साथ क्रॉस करेंगे वो रन तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया और टेस्ट क्रॉस में क्या रिजल्ट आता फिफ्टी फिफ्टी अब देखो टॉल प्लांट को मैं डार्फ प्लांट से क्रॉस किया तो में सारे टॉल आ गए फिर ये टॉल को मैं डार्फ से क्रॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा वन इज टू वन मिलेगा ना वो छे ना यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो रहा है कैरेक्टर चेंज हो रहा है एवरीथिंग इज सेम समझ रहे हैं नहीं समझे नहीं समझ नहीं आ रहा आया ना आपको समझने ये कैपिटल टी कैपिटल टी रहता ये स्मॉल टी स्मॉल टी रहता ये टॉल क्या रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा ये क्या रहेगा स्मॉल टी स्म टी क्या रेशियो आएगा वन इज टू वन आएगा ना तो यहां पर भी वन इज टू वन ना ठीक है आपको क्या लग रहा है ब्राउन ड्रेसेस यू चूंगा इधर चलिए ब्राउन के लिए स्मॉल आर लिख दिया मैं रेड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर लिखा तो ये रेड कैपिटल आर 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 स्मॉल 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 ये ब्राउन स्माल आर, स्माल आर. तो क्या ना वन इस टू? वन अब एक क्वेश्चन और आज मॉर्निंग भी डाउट पूछे हैं बच्चे आ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया सो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेज नंबर फोर्टी टू पे है ये एक्चुअली ये चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हो गया फिर भी आप कैसे करना है बता देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे है प्रीवियस ईयर एवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये कनेक्टेड विथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बोल के ठीक है जहां पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन बोलते हैं P का मतलब होता है यहां पे डोमिनेंट अलिल और Q का मतलब होता है रेसेसिव अलिल और 2PQ का मतलब होता है हिट्रोजाइगस कंडीशन इतना मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला जो है एवोल्यूशन चैप्टर का है अब ये इतना मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पढ़ेंगे क्वेश्चन में पॉइंट फोर देन वॉट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कितना आएगा हेट्रोजेगस टू पी क्यू कितना आएगा होमोजाइगस रेसेस कितना आएगा <coughs> समझ गए खत्म हो गया पी का मतलब डोमिनेंट अलिल दो बार दो बार पी का मतलब एक बार पी का मतलब डोमिनेंट अलिल दो बार पी का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ना दो बार पी ये पी स्क्वायर टू टाइम्स दैट मीन्स कैपिटल ए कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ये कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन ये स्मॉल ए स्मॉल ए कंडीशन आगे का कुछ भी नहीं है तो यहां पे हम क्या करना पी की वैल्यू गिवन है दैट इज इज गिवन पी इज इक्वल टू पॉइंट फोर हो गया तो क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी कर देना क्यू इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स हो जाता ठीक है अब तो आगे कुछ भी नहीं है पी स्क्वायर करो इसका कितना आता देखो पी स्क्वायर पॉइंट फोर का कर, कर दीजिए कितना होगा पॉइंट वन सिक्स हो जाएगा और Q स्क्वायर का कितना आएगा 0.36 आएगा होमोजाइगस रेसेन कंडीशन पी Q कितना आएगा कितना आएगा दैट्स दैट्स आएगा इतना है देखिए इतना ही करना है हम्म और एक क्वेश्चन <coughs> एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं लिख लीजिए ये क्वेश्चन सब लोग लिख लो एक टाइप है ये क्वेश्चन का मॉडल में नहीं है बता रहा हूं मैं टाइप क्या है क्वेश्चन क्या है देखो देर आर थ्री जीन्स देर आर थ्री जीन्स सपोज देर आर थ्री जीन्स ए बी सी थ्री जीन्स हैं ए बी सी परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बेटवीन ए एंड बी इज ट्वेंटी परसेंट बी एंड सी इज ट्वेंटी एट परसेंट ठीक है एंड बी और कौन सा है ए एंड सी इज एट परसेंट वॉट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन वट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स बोल के क्वेश्चन है ऑप्शन भी बताना क्या ए बी सी बोल के एक ऑप्शन है ए सी बी बोल के एक ऑप्शन है या बी ए सी एक ऑप्शन है या सी ए बी बोल के एक ऑप्शन है चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए इस ये टाइप का है ना क्वेश्चन अच्छा है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है ये कैसे करना चाहिए जो भी डिस्टेंस ज्यादा है पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर सबसे ज्यादा किसका बता है? बताया है बी एंड सी का क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा बताया है ट्वेंटी एट परसेंट सबसे ज्यादा जो क्रॉसिंग ओवर दिया है क्वेश्चन में उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए क्योंकि ये जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आने वाला है राइट? मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर सीन डिस्टेंटली लोकेटेड जीन। मुझे एक, एक ऐसा क्रोमोसोम चुनना है क्या उसमें अरेंजमेंट एबीसी है क्या उसमें अरेंजमेंट ए सी बी है क्या उसमें अरेंजमेंट बी ए सी है ऐसा ढूंढना है मुझे तो आप बोलेंगे कैसे करना चाहिए इसे क्वेश्चन को तो मैं पहले मुझे क्या करना है फर्स्ट ऑप्शन ले लेके देखेंगे पहले ए बी सी आता क्या देखेंगे आंसर ए और बी के बीच में कितने बताया ट्वेंटी परसेंट दिया हुआ है लिख लिया मैं और बी और सी के बीच में ट्वेंटी एट परसेंट दिया है अब ये ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेंटी एट परसेंट समझे फोर्टी एट परसेंट आना चाहिए दोनों मिलाकर अब लेकिन ए और सी कितना बताया एट परसेंट बताया बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये समझ गए बात करेक्ट होना बोलते कितना आना चाहिए था उधर कितना स्थी। 48 आना था नहीं आया उधर दूसरा ट्राई करता हूँ मैं आप ए सी बी ए सी बी ए सी बी दूसरा ऑप्शन लेके देखता हूं तो ए और बी के बीच में ट्वेंटी परसेंट बोल रहा है ठीक है ए और बी के बीच में मैं ट्वेंटी परसेंट लिख दिया बी और सी के बीच में ट्वेंटी एट परसेंट दिया हुआ ठीक है लिख दिया मैं और ए और सी के बीच में एट परसेंट बता रहा है करेक्ट होता तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है ट्वेंटी परसेंट बता रहा है लेकिन वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्वेंटी एट परसेंट आना था ये भी नहीं होता राइट इसका मतलब ये भी गया अब थर्ड ऑप्शन कैसे राइट होता है देखो आप बस एक टाइप का क्वेश्चन सीख लिए तो बस है इस टाइप के हमेशा मेथड यही है सॉल्व करने का अब बी ए सी लिखा मैं इधर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है बी और सी में बताया है बिल्कुल बी और सी बहुत ज्यादा दूर दिख रहे हैं मुझे यहां पर हा तो ये ट्वेंटी एट परसेंट लिख देता हूं मैं इधर ठीक है ए और बी के बीच में ट्वेंटी परसेंट बताया है ये और ए और सी के बीच में एट परसेंट बताया है ए ट्वेंटी प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट परसेंट ये बिल्कुल राइट हो रहा है सी इज करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन भी करके देखेंगे सी ए बी सी ए बी लिख सकता हूं क्या देखेंगे चलो तो ए और बी के बीच में फिर एक बार ट्वेंटी परसेंट बताया है बी और सी के बीच में ट्वेंटी एट परसेंट बताया हुआ है ए और सी के बीच में एट परसेंट बताया हुआ दैट मींस सी और डी दोनों भी करेक्ट हो जाएंगे अरेंजमेंट, सी और डी दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट पॉसिबल अरेंजमेंट बता रहे हैं कर सकते ना वैसे क्वेश्चन हाँ And who discovered this arrangement of genes on the chromosome? Who discovered arrangement of genes on the chromosome based on the frequency of recombination? Alfred Sturtevant. Alfred Sturtevant, student of T.H. Morgan, discovered chromosome mapping based on the frequency of recombination. Distance is more, crossing over is more, right? वन परसेंट क्रॉस ओवर का मतलब है वन परसेंट क्रॉस ओवर का मतलब है वन मैप यूनिट डिस्टेंस जितना जितना क्रॉसओवर होगा उतना डिस्टेंस होगा ना लिखे सो हम डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर अगर टेन परसेंट क्रॉस ओवर होगा तो डिस्टेंस कितना होगा टेन मैप यूनिट का होगा हंड्रेड परसेंट क्रॉस ओवर होगा तो हंड्रेड मैप यूनिट का डिस्टेंस होगा नहीं आ रहा समझने आपको क्लियर है ना ठीक है क्लियर तो देखिए मैं आपको जो बताया बात समझ गए होंगे

ऐसे पढ़ाया ये क्रॉस करने पर वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन आता बोल के बोला मैं है ना लेकिन एग्जाम में चेंज कर देता हूं ऐसा पूछता नहीं कर सकते क्या सेम ही जो। सेम ही है ना बस इतना रेडी रहना है बस आपको कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे तो आप बोलेंगे फोर टाइप के गैमेट बनेंगे क्या बनेंगे बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम कैपिटल ए ए गैमेट स्मॉल ए ए गैमेट कैपिटल बी ए गैमेट स्मॉल बी ए गैमेट गलत ना मैं ऐसा नहीं बताया आपको मैं क्या बताया था लिख के भी दिया था वन गैमेट है एक जीन का एक अलिल रहेगा एक जीन का एक अलिल यहाँ पे कितने जीन है दो जीन है ए जीन है बी जीन है ए जीन है बी जीन है इसका मतलब गैमेट में क्या रहना एक का एक अलिल रहना बी का एक अलिल रहना कौन सा भी ले लो आप ए का A का ले लो बी का, A का ले लो, कौन सा भी ले लो स्मॉल ए कैपिटल भी लेते हैं तो ले लो स्म स्मॉल भी लेते हैं तो ले लो हाँ कैपिटल ए स्मॉल क्यों वन गैमेट है one for one gene. Purity of ऐसा बोलते आप हाइब्रिड का तो और मुश्किल हो जाएगा आपको डायहाइब्रिड काज करने नहीं आ रहा तो ट्राईहाइब्रिड का कैसा करेंगे आप मेरे को कितने गैमेट बनते हैं यहां से बताओ और कौन कौन से बनते हैं बताओ यहां से कितने बनेंगे गैमेट टू टू द पावर ऑफ थ्री तीन हिट्रोजाइगस हैं एट गैमेट बनेंगे तो वो एट कौन कौन से रहेंगे नंबर वन ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक हो गया दूसरा मैं वो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है वो रूल यूज कर रहा हूं वन गैमेट है ए का एक लिखूंगा बी का एक लिखूंगा सी का एक अलील लिखूंगा एक गैमेट में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो लिख रहा हूं मैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी भी लिख सकता हूं मैं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं मैं कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी लिख सकता हूं मैं और फिफ्थ कॉम्बिनेशन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी लिख सकता हूं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख सकता हूं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं देखिए एट टाइप के गैमेट हो गए नहीं हुए एट टाइप के गैमेट एट टाइप के गैमेट हैं ये तो केस कुछ याद आ रहा है क्या ये तो केस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर का है स्किन कलर बाय जीन बोलके बुक में लिखा हुआ है ए बी सी जीन्स ए बी सी ऐसे पर्सन जो हाइब्रिड होते हैं फॉर ऑल द थ्री जीन्स उनको हम बोलते हैं मुलटो जब दो मुलट्टो मैरिज करते हैं जब दो मुलट्टो मैरिज करते हैं तो उनके कितने बच्चे पता होते हैं और कितने टाइप के रहेंगे वो कितने ऑफ़स्प्रिंग्स रहेंगे यहां पर दो मुलट्टो की मैरिज करा दो और कितने बच्चे बनेंगे वहां पर बताइए दो मुलट्टो सिंपल है कुछ भी नहीं है क्या बोला था मैं नंबर ऑफ ऑफ़स्प्रिंग्स इज इक्वल टू गैमेट स्क्वायर बोला था मैं ये स्क्वायर कर दे तो खत्म सिक्सटी फोर नहीं वहां आप लिए क्या लिखा था फॉर्मूला में गैमेट स्क्वायर बोला था ना यहाँ पे एट बने, तो एट करूंगा मैं ठीक है चलिए आपको मैं क्या दिया हूं आपको बोलिए सबसे पहले अगर आपका नोट्स नहीं हुआ तो नोट्स करो नोट्स हो गया एनसीआर नहीं हुआ एनसीआर करो सही पैटर्न करो अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ एक बात बता रहे हैं एक्सपेरिय है एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैं पहले नोट्स करना है उसके बाद एन करना है एन हो गया है तो आप जो है आगे स्टेप एक और स्टेप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं वो भी हो गए सर हमारे तो लेवल थ्री के क्वेश्चन वो भी हो गया तो जो है और एक बार एन रिवाइज करने का मौका जितने बार आप एन रिवाइज करेंगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे जितना आप अनवांटेड अननेसेसरी मटेरियल जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है वो पढ़ेंगे उतने मार्क्स कम होंगे फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप बोलेंगे बायोलॉजी ज्यादा पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम होंगे बिल्कुल टाइम चला जाएगा ना ये बात समझने आते आते एक साल हो जाता बच्चों को समझ गए तो आप जो है गलती मत करो जितना मैं बताया हूँ सीक्वेंस वही फॉलो करते जाइए Okay, tomorrow we'll continue questions. Thank you.